यीशु मसीह के यहाँ पूजा करने जाती है, वहाँ क्या होता है? वह भजन हो ही प्रभु का, प्रभु का भजन हो ले खाली, भैया का भजन चली, उनकी लड़की का भजन चली। आप हिंदू धर्म से थी, फिर ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गई और आपको इसका लाभ हुआ? लाभ बहुत होगा हमारे, देखा था पेड़ में हमारे पेड़ झुरात रहा है, वहाँ भी शैतान, घर में शैतान, पूरा प्राणी हमारे जिए खाए लगनी आराम से हो गई नहीं, सब प्राणी देश परदेश चारी और सुख शांति मिल गई, नहीं तो सब गाय बजा के जात रहे, गाय बजा के क्यों बचे वाला ना रहे। ओझा शैतान कलश 500 ओझा लीवा हम ना जब, जब प्रभु केहन गईली तो कहे कि अब यीशु हमें हटा दी हैं, अब हम ना रह पाई गई मकान के अंदर, अब हट जाब हम यहाँ से, यह कुल होला बेटा यह सब। ई हो कि जौन प्रभु का वचन है वो गलत ना हो, उस सत्य पर चलत हूँ मैं, इनमें एक अक्षर झूठ न बोले के हुई जो जान ले। आप हिंदू धर्म के सिवा किसी और भगवान की पूजा भी नहीं करती हैं? खाली बस ये नहीं का पूजा हम करी ला, अब पूरा परिवार हमारे नहीं का पूजा करा था, वो कहले भी हम कि पूजा कैलू कि गैलू दुनिया से, साठ मारा लो भैया कह के दुष्ट आत्मा दे के साठ मारा लो कि ये सब मर जा, मरे बदे भी साठ मारा लो। कौन कहता है मतलब ये सब चीज होता है? अब हम कौन बताएं सब ओझा कहना और के कही। अच्छा, वहाँ कौन पादरी जी हैं? हाँ, कौन पादरी जी हैं वहाँ? हम समझ ना पाओ थी क्या बात कहत होगा पादरी। ब्रदर कौन है वहाँ पे? ब्रदर हुए हमें दुर्गा, उनका नाम दुर्गा है। ये समय प्रकाश अब इतना जने के चंगा करत हूँ मैं, तो आप प्रकाश यादव बन गए हमारे, दुर्गा तो है हम प्रकाश यादव, उनके में प्रकाश निकलत हो, उनकी शरीर से प्रकाश निकलत हो, जहाँ गाड़ी से आवा ना भर बोझन आदमी घी जाइए और चिल्लई हैं बल भर, बाद में जब आ जाइए धीरे धीरे शांति दे तब वो आदमी शांत हो के फिर बैठ जाइए। वहाँ सब रोगों की मुक्ति हो जाती है? हर रोग, कौन ऐसा रोग हो कि न मुक्ति हो जाए, बाकी जी अपने बचन से अपने सहूर से रही ओके मुक्ति मिली। 36 किस्म का बात करी, 36 किस्म का दौरी तो ना मुक्ति मिली, तब ना मिली आवल जाल करा। मुझे तो हमें बहुत फायदा है, मतलब कि HRV, TB, ब्लड कैंसर, गोड़ टूटल है वो भी, हर एक रोग माटी का जला, मतलब सब एकदम पूरा सब अच्छा हो जाला, मतलब तेल पानी सब लेके जाला। पहले वही मिलत रहा, लेकिन भैया कहना कि सब ये शंका करा वहाँ का कि मतलब कि भैया पूछा तो दवाई मिला तो तब सब ठिका था, तब कहा कि नहीं तो अपने घर से लोगों लेके अवल करा, तो अपने घर से सब लेके जाया करा, तेल पानी अपने घर से सब लेके जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद क्या लोग जो है गिर जाते हैं? हाँ भैया, सामर्थ आए तब एक दिन से सामर्थ आ जाला गिर जाना और रोग खत्म हो जाला, मतलब बहुत अच्छा हुआ, मतलब जितना रोगी है वहाँ चंगा हो जाना, हर रोगी जबन डॉक्टर ने ठीक कर पाई है तो वहाँ प्रभु ठीक करे ने। आप उन्हीं को मानते हैं? हाँ, उन्हीं, उनके सिवा हम क्यों के ना माने, मतलब कौनों देवता के हम ना जाए, प्रभु के सिवा हम क्यों के मन में ना करें, ना क्यों के प्रसाद खाएँ, कुछ ना करी था, मतलब उन्हीं के उन्हीं का हम पूजा करब, उन्हीं का हम उत्पा करेगा। मेरा नाम अर्चना जायसवाल है, हम ईसा मसीह के यहाँ जाते हैं, वहाँ पर हम लोगों का दुख तकलीफ दूर होता है और वहाँ पर हम लोग तेल पानी घर से ले जाते हैं, तेल पानी घर से ले, पहले वो अपने यहाँ से देते थे तो उनके गांव वाले बोले कि तेल पानी अपने यहाँ से देते हैं, इसमें कुछ करके देते हैं, इसीलिए इन लोगों का दुख दूर होता है, इसलिए वो बोले कि अब ऐसा गांव वाले बोल रहे हैं ऐसा करो तुम लोग तेल पानी अपने घर से लेकर आओ, तो हम लोग अपने घर से तेल पानी लेकर जाते हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद किसी को दर्द होता है अगल बगल या हमारे घर में किसी को तकलीफ हुआ, सर दर्द करने लगा, चोट लग गया, तो वह तेल हम उसके घाव पे लगा देते हैं, सर दर्द करता है सर पे लगा देते हैं, फिर उसके बाद पानी को पिला देते हैं और उनके वचन पर चलना पड़ता है, उनके वचन पर अगर जो चलेगा उसी का दुख दूर होगा, जैसे कि झूठ नहीं बोलना है, किसी को गाली नहीं देना है, किसी का निंदा नहीं करना है, किसी का बुराई नहीं करना है, और वहाँ पे हम लोगों को वचन भजन यही सब करने के लिए बोलते हैं, भजन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, और उनका सामर्थ्य जिसके ऊपर आता है, जैसे यहाँ पे आप लोग अपने देवी तथा हिंदू धर्म में बोलते हैं कि दुर्गा माँ आ गई ऊपर, तो वैसे वहाँ पे सामर्थ्य यीशु वहाँ के ऊपर आता है तो वो गिरने लगते हैं, सामर्थ्य की वजह से ज़मीन पर गिर जाते हैं।
आप लोगों को किताब वगैरह भी दिए हैं? हाँ, किताब दिए हैं। तो आप इनको पढ़ते हैं? हाँ, बाइबल इसका नाम पवित्र पवित्र ग्रंथ बाइबल। माला भी पहनती हैं उनकी? हाँ, माला भी पहनते हैं। जिसमें आपने वार्ता की, मुझे समाचार पत्रों से मालूम हुआ कि हमारे यहाँ डोभी क्षेत्र है जो चंदौर थाना के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ भूलनडीह गांव में दुर्गा प्रसाद यादव और अपने तमाम समर्थकों के साथ करीब, उसमें ये संख्या करीब 271 के बराबर है, वो लोग हिंदू धर्म के खिलाफ प्रचार करके हिंदुओं को बहला फुसला के, धोखा दे के उनको जो है जबरदस्ती ईसाई बनाया जा रहा था। कुछ लोगों को पैसे दे के लालच, पैसे की लालच में कुछ लोगों को नशीली दवाओं का सेवन करा के, कुछ लोगों को अलग अलग जादू टोना इन सब माध्यमों से ये कहते हुए कि यहाँ पे मृत व्यक्ति भी जिंदा हो सकता है, इस तरह की अफवाहें फैलाकर वहाँ पे हिंदू धर्म से ईसाई धर्म परिवर्तित करा रहे थे। तो हमने एक परिवार यहाँ दीवानी न्यायालय में दाखिल किया, जिसके तहत आदेश हुआ कि अभियुक्त गण जो दुर्गा प्रसाद हैं और जो उनके सहयोगी हैं 271 लोग, उनके खिलाफ थाना चंदौर FIR दर्ज करके विवेचना करें। तो कल जो है उसमें FIR दर्ज हो गई है उन लोगों के खिलाफ। अब उन लोगों के खिलाफ विवेचना होगी, थाना चंदौर इस मामले में विवेचना करेगा कि वहाँ पे क्या क्या गलत काम होते हैं। सबसे बड़ी चीज इसमें गलत काम ये होते हैं कि मान लीजिए ये स्वतंत्रता है कि वो ईसाई धर्म का प्रचार करते रहे, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खराब चीज ये है कि वो लोग हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, हिंदू धर्म ग्रंथों को शैतान का धर्म ग्रंथ बताना, यहाँ तक ये प्रचार करना कि जो देवी देवताओं की मूर्ति है इनको अपने घर से बाहर फेंको, इनकी पूजा मत करो, और साथ में हिंदू धर्म ग्रंथ हैं इनको मत पढ़ो, बाइबिल पढ़ो, ईसा मसीह की जय बोलो, इन सब के साथ लोगों को फुसला के, बरगला के, यहाँ तक कि पैसे का लालच देकर, जमीन का लालच देकर लोगों जो यहाँ पे गरीब हैं जिनको खाने को नहीं अट रहा है, ऐसे लोगों को बुला के ला के ईसाई धर्म परिवर्तित कराते हैं। और उसके साथ ही साथ वहाँ पे जो हर इतवार को भीड़ लगती है, वो हजारों की तादाद है, उसमें वो एक पेय पदार्थ सबको देते हैं, उसमें कोई नशीली चीज मतलब मिलाते हैं जिससे लोग झूमने लगते हैं, और झूम के वहीं ईसा मसीह की जय, ईसा मसीह की जय लोगों को बुलवाते हैं। इसी के चलते मैंने ये यहाँ पे 156(3) का मुकदमा ACGM 5 के न्यायालय में दाखिल किया, जिसमें ACGM 5 महोदय ने FIR दर्ज करके विवेचना करने का थाना चंदौर के ग्राम भुल्लनडीह में जो है विगत दिनों में मामला प्रकाश में आया था कि कुछ लोग ईसाई धर्म के नाम पे वहाँ पर सीधे साधे भोले भाले लोगों को जो है बेवकूफ बना करके और धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात की सूचना पे जो है पुलिस ने इसमें जाँच की तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि नहीं, वहाँ पे दुर्गा यादव हैं और उनके साथ रहने वाले कई लोग हैं जो इस तरह से मंगलवार और रविवार को जो है एक अपना प्रचार प्रसार करते हैं और उसमें जो है लोगों को उपदेश देते हैं। धर्म प्रचार के आड़ में क्या सही क्या गलत है इसकी पुलिस गहराई से तफ्तीश कर रही है। माननीय न्यायालय में एक अधिवक्ता ने जो है प्रार्थना पत्र दिया था जिसपे न्यायालय ने अभियोग पंजीकृत करने के लिए आदेश दिया था, जिसपे कल थाना चंदौर में संबंधित धाराओं में जिसमें धारा है भादवी की 328, 420, 153B, 295, 295, 120B और 508 IPC उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसकी तफ्तीश की जा रही है। तफ्तीश में जो भी तथ्य प्रकाश में आएगा इनके खिलाफ उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो लबोलुभाव जो अब तक वहाँ पे चीज़ें प्रकाश में आई हैं वो ये आई हैं कि इनकी जो ये एकाएक इतनी ज़्यादा संपत्ति हुई है या इस तरह से इन्होंने जो वहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया है रोग के उपचार के नाम पे या इसके नाम पे, तो इन सब चीज़ों को के मद्देनज़र जो है पुलिस की जाँच केंद्रित रहेगी। जो भी तथ्य प्रकाश में आएगा और इस तरह की बात प्रकाश में आती है कि नहीं ये जो है लोगों को बेवकूफ़ बना करके और धर्म परिवर्तन की ओर ले जा रहे हैं तो उसके हिसाब से इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी तक किसी ने धर्म परिवर्तन होने की सूचना तहसील में या थाना पे नहीं दी है, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अभी इसे प्रलोभन के स्तर पे था और ये जो प्रचार प्रसार इन्होंने किया है उसके पीछे क्या उद्देश्य है उसे देखा जा रहा है। ठीक।